देखो मैंने इस लीगल साइट पे पढ़ा, देख लो भाभी, इसमें लिखा है कि एक तरफा तलाक तब होता है जब एक पार्टनर को दूसरी पार्टनर की जान से खतरा हो, और जिसे ये तलाक लेना होता है ना, वो उस खतरे के सबूत के साथ एक लेटर के साथ काउंसिलर के पास कोर्ट में जाके जमा कर देता है, और कोर्ट वो देख के ही डिवोर्स देती है। और अभी तुमने भी यही किया। ये क्या किया है तूने रावी? खुद की शादीशुदा जिंदगी में आग लगा दी। ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ। इसको ना कभी मेरी परवाह ही नहीं थी। अरे मेरी छोड़ो, इसको शादी की परवाह नहीं थी। मुझे सच में नहीं पता ये सब कैसे हुआ। सच मैं तुझे बताती हूँ। आखिर तू निकली, उस कागड़ी की भांजी निकली। खून का रंग देख लिया तेरा। गेट आउट माई हाउस। काकी मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं सुन रही आप, तेरी और सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है। तू रावी को अपनी बात साबित। मैं जंगली गवार जाहिल, जो बोला है बोल, चल हूं। पर आज तक क्या तुझ पे हाथ उठाया? तुझे गाली दी, कुछ किया? जब जब तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, बदले में मैंने हाथ भी नहीं उठाया। तो किस मुंह से इल्जाम डाल रही है तू मेरे ऊपर? हाँ, जेल भिजवाया ना मुझे? हाँ, छुड़वाने आई तू? कैसी बातें कर रहा है शिवा? मैं तो खुद किडनैप थी ना, तुझे कैसे छुड़ा दी? तू आया था ना मुझे छुड़ाने, अब क्या इस बात का भी सबूत चाहिए तुझे? ये तो पूरी किडनैपिंग भी है ना, ये भी मेरे को झोल लगता है। तेरा, मामी का और तेरी बहन का, सब सबूत इकट्ठा करके काउंसलर के पास गए, सब कांड कर दिया, उसके बाद अपनी किडनैपिंग प्लान की तूने, ताकि तू पुलिस स्टेशन ना पाए और किसी को देर में शक भी ना हो। आई बड़ी, सर से पैर तक झूठ टपकता है तेरे। ठीक है, तुझे जो सोचना है तू सोच, क्योंकि तेरे दिमाग के अंदर घुस के तेरी सोच तो बदल नहीं सकती ना मैं। लेकिन सच यही है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुझे कुछ नहीं पता? बिना सबूत के तो कुछ होता नहीं, कानूनी कार्रवाई है। नहीं फोन दिखा, ये वीडियो तेरे फोन में क्या कर रहा है? पता, ये वीडियो तेरे फोन में क्या कर रहा है? ये हॉस्पिटल वाला वीडियो इसने अब तक अपने फोन में रखा है, और यही वीडियो इसे जज के सामने पेश किया होगा और बोला होगा शिवा मुझे बहुत मारता है, पीटता है। बोल क्या कर रहा है ये वीडियो तेरे फोन में? हद है, किस बात को कहां लेके जा रहा है शिवा? मेरे पास कहां इतना टाइम था कि मैं वीडियो डिलीट करती बैठती? तेरे पास वीडियो डिलीट करने का टाइम नहीं था, पर चार्जर को भेजने का टाइम था। ये वीडियो तूने मामी, तेरी बहन और पुलिस वालों को भेजा है। बोल इतना टाइम कहां से आया तेरे पास? अगर तेरे मन में चोर नहीं है तो ये वीडियो तेरे फोन में ट्रॉफी की तरह क्या कर रहा है? हाँ, अब जवाब देना, बाकी टाइम तो तेरा मुंह कैची की तरह चलता है। अब तो पूछ रहा हूं, बोल। शिवा तू चाहे जो कह ले, पर मेरा मन नहीं मानता कि रावी ने ये सब किया। तू चुप क्यों खड़ी है रावी? शिवा के सवालों का जवाब देना, बता उसे कि तूने ये सब नहीं किया है। भाभी सबूत आपकी आंखों के सामने, फिर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये साइन किसके? रावी के है ना? रावी ने किया है ना? फिर भी आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा? और रावी, एक बार भी नहीं सोचा ना शिवा के ऊपर इतना घटिया हिजाब लगाने से पहले। पर मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ। ये एप्लीकेशन जाके मैंने जमा नहीं की है। अब बोल, बोल ये एप्लीकेशन एप्लीकेशन नहीं है। बोल ये नाम रावी पंड्या नहीं है और ये मेरा सिग्नेचर ही नहीं है। बोल।
ये मेरे है पर क्या बोल, आप चुप क्यों खड़ी है? पुलिस कंप्लेन जो की थी अभी उस पर साइन तो किया ही नहीं है, इसीलिए वो पुलिस वाले आए थे इधर कि वो कंप्लेन पेपर पे साइन करवाने के लिए। हे भगवान, कई मासी ने पुलिस कंप्लेन किया कि मुझसे तलाक के पेपर्स तो नहीं साइन करवा ली, गलती तो मेरी है, मुझे साइन करने से पहले पेपर पढ़ तो लेने चाहिए थे, अब कौन मेरा विश्वास करेगा? मेरी बात तो कुछ नहीं सुनना मुझे, पक चुका हूं मैं, बस हो गया। अच्छा ये तेरी मेरी शादी टूट गई, तुझे और मुझे ना एक छत के नीचे रहना ही नहीं पड़ेगा, ना बार बार तू मुझे जलील कर पाएगी, ना खुद को साबित करना पड़ेगा। निकल इस घर से। शिवा जल्दी बात, फैसला मत ले। शिवा हम लोग बैठ के भी बात कर सकते हैं। शिवा 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 चल यहां से बाहर निकल। शिवा मैं मुझे छोड़, मेरी बात का विश्वास कर, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे अंदर जाने दे। छोड़ शिवा, छोड़ बैग, छोड़ शिवा, शिवा छोड़, शिवा मेरा बैग छोड़। विश्वास कर शिवा, मेरी कोई गलती नहीं है। कुछ भी बोलती रावी, कुछ भी, पर मैं तुझ पे हाथ उठाता हूं, तुझे मारता हूं। आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सुरेख जैसा घर था ये, जब धरा अकेली थी। जब से दोनों लड़कों की शादी की है, हर रोज एक नया तमाशा देखने को मिलता है यहाँ। प्रफुल्ला को बड़ा शौक था दूसरों के घरों के ड्रामा जानने का, अब कोई उसको जाकर बताए इस ड्रामा के बारे में कि उसकी खुद की भांजी के घर पे क्या हो रहा है। रावी के ससुराल वालों ने उसे उसके सामान के साथ घर के बाहर फेंक दिया, वो भी धक्के मार के। हाँ अपने आँखों से देख के आ रही हूँ मैं। एक मिनट, इधर ही घोड़े न जाना नहीं, एक मिनट। हेलो बहन, लो 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 मिठाई खाओ, जय हो मारा भोगी लाल। अरे सुशीला बहन, क्या खबर सुनाई है आपने, तू मीठा करो करो करो, खाओ पूरा खाओ। तू दुनिया की पहली ऐसी औरत है जो अपनी बेटी के घर टूटने पे खुश हो रही है। आज तो होगी ना मैं। अरे भाई, वो जंगली सांड से मेरी बेटी को छुटकारा मिला है। अनिता, अरे भाई तू इधर क्या घड़ी है, जल्दी से जाना की थाली लेके आ, मेरी रावी आती होगी। तू पूरी तरह से पागल हो गई है परफुला। अरे हाँ भाई हाँ। Thank you.
तुझे क्या लगता है इस शादी के बाद जब तू इस घर में आ जाएगी तो मेरे दिल में तेरे लिए नफरत कम हो जाएगी? इस घर में आने के बाद ना मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। चलो अच्छा हुआ मारकुंडी गायकी नाम की बला टली। हमें एटलीस्ट रावी की बात तो सुननी चाहिए थी। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हुई हो जिसके बारे में रावी को भी ना पता हो, या फिर वो मामी ने धोखेबाजी से रावी से वो एप्लीकेशन साइन करवा ली हो। एटलीस्ट उसकी बात तो सुननी चाहिए थी ना। अरे भाभी आपको हमेशा रावी क्यों सही लगती है? वो कभी गलत नहीं हो सकती। और क्या वो अनपढ़ गवार है क्या कोई कि मामी कोई भी कागज का टुकड़ा पकड़ा देगी और साइन करके दे देगी वापस? हाँ भाभी, और आप हमेशा शिवा को ही क्यों सीख देती रहती है? वो हमेशा गलत नहीं हो सकता। और वैसे भी ये 2022 है, यहाँ पे रिश्तों को लाठी पीटने से कोई मतलब नहीं। ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ने से तो अच्छा है अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहे दोनों। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग रावी को वापस घर में रखने की बात ही कैसे कर सकते हो, जो जो उसने मेरे शिवा के साथ शुरू से किया है, शुरू से सब। उसके बाद भगवान आके पैर भी करे ना तो भी नहीं रखूं मैं उसे घर में। बस बहुत हो गया। और तुझे सिख की देवी बहुत हमदर्दी हो रही है ना उसके लिए, तो तू अपना बोड़िया बिस्तरा बांध और जा उसके साथ जाके रहे। गॉट कुछ भिजवा देंगे। गो। सॉरी काकी, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ए, ऐसे कैसे नहीं जाएगी? चल निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगी। जा यहाँ से, मेरा सबर मत ताप। कहा ना नहीं जाऊंगी। अरे क्यों नहीं जाएगी? चाहे जो जाए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, निकल यहाँ से। मैं तुझे बोल रही हूँ ना कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रावी आखिरी बार बोल रहा हूँ, निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगी। अरे क्या बचा तेरे मेरे बीच? प्यार। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ शिवा। आई लव यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू शिवा। मत भूल रहे हो, तुझे पसंद है ना? मैं शिवा को मना के रहूंगी क्योंकि मेरा ये स्टूपिड बेवकूफ दिल ना उसके प्यार में पड़ गया। आजकल की लड़कियां
नो लिहाज, नो शर्म, जिन्हें सुनना ये सब। क्या कमाल की हिम्मत दिखाई है रावी ने, लगता है मेरी संगत का असर हो रहा है। जी जी के सबके सामने अपने प्यार का इजहार। तुम ना ऋषि ना, एक बार डिसाइड कर लो, तुम शिवा की साइड हो या राधे की? भाभी तो तुम लावी को सुना रही थी, भाभी से लड़ रही थी क्योंकि वो उसकी साइड ले रही थी। मैं सच की साइड। ए, ये क्या बोल रही है तू? क्या सस्ता नशा करके आई है? या आई लव यू वाला ड्रामा क्या लगा रखा है तूने? हाँ, वो भी तब जब तलाक की पूरी रस्म तूने पूरी की है। तुझे क्या लगता है ये हीरोइन वाली एंट्री मारेगी, डायलॉग बाजी करेगी तो मैं पट जाऊंगा? शादी का पन्ना ना मैं पलट चुका हूँ और अपनी जिंदगी में ना आगे बढ़ चुका हूँ। निकल यहाँ से। झूठा, कब पलटा? अभी 10 मिनट पहले। तो एक काम कर, वापस पलट ले, क्योंकि मैं अभी वहीं पर हूँ। छोड़ी हुई किताब ना मैं कभी नहीं उठाता, तभी बचपन से तू और मामी ना मुझे अनपढ़ कहते हैं। तुझसे जुड़े पन्ने चल जा जिंदगी में कभी ना खोलूं, क्योंकि इस दुनिया में अगर मैं सबसे ज्यादा किसी से नफरत करता हूं ना तो वो है तू, सिर्फ और सिर्फ तू। और अगर मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किसी से प्यार करती हूं ना शिवा, तो वो है तू, सिर्फ और सिर्फ तू। इतना प्यार की प्यार खुद भी उसकी सीमा ना नाप पाए। बहुत अकड़ है ना तुझे अपनी नफरत पर। तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों इस छत के नीचे रहते हैं और फिर देखते हैं तेरी मेरे लिए नफरत जीतती है या मेरा तेरे लिए प्यार। क्योंकि मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। क्या बात है भाभी, क्या बात है। अपने शिवा की बाउंसर बॉल को तो बाउंड्री के पार पहुंचा दिया करके मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि कौन पड़ता है किस पे भारी, मेरा भी भाभी जीतती है या शिवा की मती जाती है मारी। घर में मुशायरा चल रहा है। चल निकल। और तू एक बात याद रख, तुझे तो मैं इस घर से भगा के रहूंगा, चाहे शिवा पंड्या को कुछ भी करना पड़े। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।